वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये हमारी हीरो की स्प्लेंडर प्लस दोस्तों अपने खुद की सेल्फ बाइक है दोस्तों। और दोस्तों इस बाइक में बहुत दिनों से दोस्तों एक प्रॉब्लम था जिसे हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था दोस्तों। तो एक्चुअल में दोस्तों क्या हुआ है, अभी जो दोस्तों इसके दोनों फोर्क के बार है दोस्तों, आप देख सकते हो दोनों बार की कंडीशन देख सकते हो, बार दोस्तों टोटली आउट हो चुके हैं। और ये दोस्तों दोनों बार में मैं कोई रिपेयरिंग नहीं करूँगा, ये मुझे रिप्लेस करने हैं। वहाँ पे दोस्तों इसके बार पड़े हुए हैं, साथ में दोस्तों फोर्क ऑयल इसका रिप्लेस हो जाएगा, फोर्क ऑयल सील रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ अभी इसमें हमें रिप्लेस करना है दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे किस तरीके से करना है वो मैं अभी आपको प्रॉपर बताऊंगा। बस दोस्तों मैं अभी अकेला हूँ सो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको पूरा तो पूरा बताते चलूँगा क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका टायर रिमूव कर लेना है दोस्तों, जो कि ईजी है, मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में पहले ही बता चुका हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों इसका मड गार्ड रिमूव होगा। मड गार्ड के लिए अंदर 10 mm के 4 बोल्ट्स है, उन चारों बोल्ट्स को हमें रिमूव करना है। देन उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेसिंग ये है कि यहाँ पे ऊपर में दोस्तों 2 बोल्ट है, एंड उसके बाद वहाँ टॉप में दोस्तों एक 19 नंबर का एक बोल्ट है, उसे रिमूव करना है। उसके बाद ये नीचे आ जाएंगे, देन थोड़े टाइट करके उसे रिमूव कर लेना है। एक 27 नंबर नट होता है बाहर का, तो फटाफट से जो है दोस्तों इसे नीचे कर लेते हैं। दोस्तों इसको टायर एंड मड गार्ड रिमूव हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक बोल्ट है, वहाँ पे एक बोल्ट है 12 नंबर, दोनों को मैंने लूज़ कर लिया है। और यहाँ पे टॉप में दोस्तों एक 19 नंबर बोल्ट होता है, उसे भी मैंने जो है वो रिमूव कर लिया। अभी दोनों फोर्क को हमें नीचे उतारना है सिंगल सिंगल। तो दोस्तों पहले इस फोर्क को डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। इसे दोस्तों थोड़ा खींचना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, यहाँ से जाम हो चुका है यहाँ पे सड़ के। और ये दोस्तों रिप्लेस होगा बार, इसके लिए दोस्तों इसे ठोकने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से इसे नीचे उतार के इसे रिमूव कर लेता हूँ। तो एक जो बार है वो हमारा रिमूव हो चुका है। एंड दोस्तों इस बार की आप कंडीशन देख सकते हैं ऑयल सील की, दोस्तों पूरा ऑयल सील जो है काला पड़ चुका है, उसके ऊपर रस्टिंग भी पकड़ चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों क्या हो रहा था ये मैंने अभी इसलिए चेंज कर रहा हूँ, एक तो दोस्तों इसके स्क्रैचेस थे, बार गया हुआ था। सेकंड पार्ट ये कि दोस्तों जब भी बाइक आगे से सस्पेंशन का काम करता है, जब भी शॉक अब्सॉर्बर नीचे जाता है, ये नीचे नहीं जा रहा था, तो इसीलिए दोस्तों इसे आज हम चेंज करने जा रहे हैं। गाड़ी जो है दोस्तों आगे से ऐसे झटके दे रही थी। तो फाइनली जो है वो इसके दोनों फोर्क के बाहर है दोस्तों, दोनों रेडी मैं कर दिया हूँ। और दोस्तों इसके ओल्ड जो बार है उसके मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से इसकी कंडीशन है। सारे दोस्तों स्क्रैचेस और ये सारा जो ऑयल है दोस्तों पूरा ख़राब, मिट्टी जम के दोस्तों जम गए और पूरे स्क्रैचेस आ गए, ये देखिए। तो दोस्तों फटाफट से अभी इसे बस फिटिंग करना है, जिस तरीके से मैंने ओपन किया था इसे सारा कुछ अभी फिट करना है प्रॉपर एकदम। तो फटाफट से मैं इसे फिट कर लेता हूँ और देखते हैं दोस्तों इसका सस्पेंशन अपना फाइनल जो है वो आया या नहीं। फटाफट से अभी इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बार को हमें वन साइड में इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करते वक्त दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक बार पे जो है दोस्तों इस तरीके का गड्ढा रहेगा दोस्तों, ये जिस साइड में रहेगा उस साइड को हमें लेफ्ट साइड में रखना है, बस इसे दोस्तों लेफ्ट साइड में लगेगा या राइट साइड में। फटाफट से दोनों को चढ़ा लेता हूँ और फाइनल में मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो इसके दोनों बार है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, और मड गार्ड भी देख सकते हैं, अभी इसमें मड गार्ड भी लग चुका है। अभी फाइनल में जो है दोस्तों इसका टायर हम इसमें मुझे बस लगाना है, एंड बाइक को करना है फुल फिटिंग रेडी। तो फुल फिट होने के बाद दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा दोस्तों शॉर्ट में बताऊँगा कि दोस्तों अभी तो प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि दोस्तों ये बार रिप्लेस करने पड़े। तो दोस्तों ये ज़्यादा कॉस्टली क्यों गया मैं सारा कुछ आपको रीज़न अभी बता दूंगा 2 मिनट में, बस इसका टायर फटाफट से लगा लेता हूँ। तो इसमें और एक दिक्कत हो गई थी, इसमें दोस्तों इसके दोनों बेरिंग को मैंने रिप्लेस कर दिया है। दोस्तों बेरिंग आप देख सकते हैं, अभी मैंने इसमें एस्केप के बेरिंग डाला है, और दोस्तों ये रहे इसके ओल्ड बेरिंग। तो दोस्तों बेरिंग ये तीसरी बार चेंज हो रहे हैं लगभग 1 साल के अंदर ही। तो दोस्तों अभी मैंने फाइनल में इसे एस्केप के बेरिंग डाले, तो दोस्तों देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम होती है। एंड सेकंड दिक्कत दोस्तों ये है कि इसके जो दोस्तों ब्रेक लाइनर है, ब्रेक लाइनर देख सकते हैं आप टूट के बाहर आ चुके थे, और दोस्तों हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे बाइक में। तो चलो दोस्तों फटाफट से अभी इस लाइनर को भी चेंज कर देते हैं एंड लगा देते हैं फाइनल से फटाफट से टायर। फाइनली अपनी बाइक रेडी हो चुकी है, और दोस्तों अपने बाइक का जो दोस्तों सारे प्रॉब्लम थे, बेरिंग दोस्तों ऐसे नॉइज कर रहे थे, सारा कुछ ख़त्म फिनिश कर दिया है। अभी फुल्ली गाड़ी रेडी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पे अकेला हूँ, नहीं तो चेक
करा दिया होता दोस्तों। इस पर क्या हो रहा था और क्या दिक्कत हो रही थी अभी मैं आपको प्रॉपर एक बार समझा देता हूँ। जब दोस्तों ये नीचे प्रेस हो रहे थे दोनों बार्स तो रिटर्न ऊपर नहीं आ रहे थे, इसमें वैक्यूम प्रेशर तैयार हो गया था। और क्या हो रहा था, जब भी दोस्तों बाइक गड्ढे में जाती थी तो बाइक ऐसे बबलिंग होती थी वहीं के वहीं। तो क्या हो रहा था, फ्रंट से दोस्तों आगे में कॉन्सेट भी दोस्तों नॉइज़ करने लगा एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा हैंड पे मेरे लोड आने लगा एंड दोस्तों साथ ही साथ में इसी वजह से बेरिंग्स चले गए मेरे वापस से, लाइनर टूट गए, तो दोस्तों सारी दिक्कतें आ गई। एंड ये ऐसे ही मैंने रखा तो इसके लिए अंदर की जो स्प्रिंग है वो दोस्तों सड़ गई, यहाँ से अंदर पानी चला गया। तो दोस्तों इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए फाइनल में हमें इतना बड़ा खर्चा उठाना पड़ा। अगर दोस्तों मैं इसके रेगुलर मतलब ऑयल सील जो है वो रिप्लेस कर देता उसी टाइम तो दोस्तों शायद इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती मुझे। एक दोस्तों हमेशा एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पे अगर दोस्तों स्क्रैचेस आ जाए बहुत ज़्यादा मात्रा में तो दोस्तों आपको बार रिप्लेस करने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को मेरे ध्यान में रखना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट एंड कमेंट इफ़ यू। अगर आपको दोस्तों कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वारी करनी है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।